नोटबंदी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले ही चुप्पी साध रखी हो, लेकिन वो छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के नब्ज टटोलने से नहीं चुके। उन्होंने नक्सल प्रभावित बस्तर में अर्बन नक्सलियों का मुद्दा उठाया और इशारों में कांग्रेस पर उनका समर्थन करने के लिए निशाना भी साधा। बस्तर माटी चो आया दंतेश्वरी आउर एता चो सपाय देवी देवता मंचो पाए ने शरण। मोदी नक्सल प्रभावित इलाकों में चुनाव प्रचार करने पहुंचे तो उनका मकसद आदिवासियों का दिल जीतना था। जगदलपुर की जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने नक्सल कार्ड खेला। प्रधानमंत्री के निशाने पर अर्बन नक्सली थे। पीएम मोदी ने कहा, एसी कमरे में बैठकर अर्बन नक्सली भोले भाले आदिवासियों को भड़काकर गलत रास्ते पर धकेलते हैं और कांग्रेस उनके समर्थन में उतर जाती है। जो अर्बन माओवादी है वो शहरों में एयर कंडीशन घरों में रहते हैं, साफ सुथरे दिखते हैं, अच्छे खासे लोगों में बैठने उठने का अपना एक रुतबा बनाते हैं, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन वहां बैठे बैठे रिमोट सिस्टम से हमारे इन आदिवासी बच्चों की जिंदगी तबाह करने का ये काम करते हैं। और एक ऐसी जमात इस चुनाव में लड़ रहे कांग्रेस के लोग जवाब दें कि आप उन अर्बन माओवादियों की रक्षा के लिए बयानबाजी करते हो। एक तरफ राहुल गांधी जहां प्रधानमंत्री को झूठा बता रहे थे, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे कि कांग्रेस का मंत्र है झूठ बोलो। मोदी जी जैसे कहते हैं ना भैया, चांद को मैं उधर से इधर कर दूंगा। हाँ, मुझे प्रधानमंत्री बना दो तो सूरज उस साइड से उठता है, उसको इस साइड से उठा दूंगा। ऐसी बातें मैं नहीं करूंगा। अब देश का एक एक व्यक्ति उसके पास जानकारियां है, वो जागरूक हो चुका है। ये कांग्रेस वाले जो गुट्टी पिलाते थे वो जमाना चला गया, उनका झूठ लंबा चल नहीं सकता है भाइयों बहनों। छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी जहां राफेल को हथियार बनाकर पीएम मोदी पर हमले बोल रहे थे, वहीं पीएम मोदी कांग्रेस राज में बिचौलियों की याद दिला रहे थे। पैसे पहले भी थे, योजनाएं पहले भी थी, लेकिन कारोबार बिचौलियों के हाथ में था और इसलिए नीचे कुछ पहुंचता नहीं था। हमने इन बिचौलियों को खत्म किया और रास्ता साफ कर दिया, आपके हक का आपको मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में 15 साल से बीजेपी की सरकार है, 2014 से केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन मामला चुनावों में वोट हासिल करने का है। लिहाजा बीजेपी हो या कांग्रेस पार्टी, हमारी और उनकी सरकार के नाम पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। आज तक ब्यूरो।